Assalamualaikum guys and welcome to my vlog. आज मिली है मेरे कज़न से लाला जी, हम बोलते हैं इसरार खान अपना नाम है। आज हम जा रहे हैं अजरबैजान बीच। मेरे जो फैमिली है ना वो थोड़े से मासूम है, कभी कभार उर्दू इंग्लिश में ख्याल नहीं देगा ना, गायब हो जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं अजरबैजान बीच में। एक ये गाड़ी है, ठीक है, इसमें हमारे साथ टिमाई बैठे गए। वालेकुम सलाम। और ये हमारे पास चार सदे का मलक भाई है हमारा। तो हम सब जाने वाले अजरबैजान में, ठीक है। दो गाड़ियाँ ये है जो पीछे मेरे, ये वाली और वो वाली। आओ हमारे सब एंजॉय करें, आ जाओ आज एंजॉय करेंगे सभी इकट्ठे, ठीक है। डिवाइड एंड रूल में हम जा रहे हैं, इस गाड़ी में बड़े, उसमें फिर उससे थोड़े कम बड़े और इसमें सबसे छोटे। और ये जो जो जानी इसको, अगर आपको अकाउंट मिल गया ना तो फौरन से पहले इसको रिपोर्ट मार के ब्लॉक कर दे, ठीक है। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आज भी अभी भी बहुत रोना है इसका। आज मैं क्या करेगा, खाना खराब करेगा। और दूसरी बात ये कि गाइस दोबारा करना रोड, जो जो जानी का अकाउंट अगर आपको टिकटॉक पे मिला, इंस्टाग्राम पे मिला, जहां भी मिला ना, तो फौरन से पहले रिपोर्ट, फॉलो शेयर एंड बल रिपोर्ट, रिपोर्ट रिपोर्ट सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। क्या दोबारा बोलो, क्या सब्सक्राइब उसी मत हुए क्या सब्सक्राइब। गाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वाला थोड़ा सा क्लिक करें। हाँ, ये वाला व्लॉग थोड़ा सा इंटरटेनिंग हो, क्योंकि मेरे साथ मेरे जो बड़े कजन है ना वो भी साथ में, वो अगर मुझे मारे व्लॉग में तो माइंड नहीं करना, ठीक है, हमारा होता है ये। अच्छा गाइस, अभी हम रवाना हो गए, जो मेरे बड़े कजन थे वो तो आगे निकल गए, लेकिन हम अभी निकल रहे। ये जो टिमाई पीछे बैठे हैं, यहाँ पे ये मसला है गाइस के सीट बेल्ट जो है ना इस पे बहुत कड़क फाइन है, कि आगे जो बंदे बैठेंगे सीट बेल्ट लगाएंगे। लेकिन इस उल्लू को हमने बोले कि सीट बेल्ट लगाई, पीछे बैठ के ही सीट बेल्ट लगाया इसने। हाई करो, हाई गाइस, क्योंकि इसको बहुत खतरा है, इसको बहुत खतरा है, इसको बहुत खतरा है, इसने इसको बोला है कि तुम बेल्ट लगा लो, ठीक है। अच्छा गाइस, अभी हमने आधा रास्ता मतलब कवर कर लिया है, अभी हम चाय के लिए रुके हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए रुके, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि हमारा जो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, खाना पीना क्याम वाम का, किस चीज़ की चाहिए। करक में खनीज, करक में खनीज, जो करक के लोग हैं ना उनके चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आवाज़ बहुत स्लो आएगी क्योंकि पीछे सर्विस चल रही है गाड़ियों की, बाकी आज मौसम बहुत अच्छा है वल्ला, मौसम अच्छा है आज, कसम से मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, मौसम चेंज हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे पाकिस्तान की याद आ रही है, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है वल्ला, जब मौसम दूसरा दिन आता था ना, लोगों से निकल रहा माशाल्लाह, अब हवा बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे। क्या खलीफा किधर जा रहा है, अंदर जा रहे हैं, मेरा कजन कह रहे हैं कि अंदर बहुत प्यारी प्यारी बच्ची होती है, तो ताड़ने के लिए जा रहे हैं। मौजरत पेंट आपका क्या लग रहा है, मेरा बड़ा भाई है, मिली है इसमें इनका वाटर पूल। हाँ गाइस, ये मेरी वाइड मोहब्बत है पाकिस्तान में भी और इधर भी, मुझे मिल गई, आई लव प्रिंगल्स, आई लव प्रिंगल्स। बस दीपा, क्या सीन चल रहा है, पानी का हिसाब कर रहा हूँ, खत्म नहीं हुआ अभी तक शॉपिंग। आप लोगों को पता है इतनी सारी शॉपिंग जो है ना सिर्फ सिपाही की आती हुई है, मज़े है कसम से, पाकिस्तान में तुम इतनी चीज़ें उठा लो कसम से, जेब में जितने पैसे होंगे ना कर्ज भी लेना पड़ेगा दोस्तों से। तो गाइस, खलीफा फर्स्ट टाइम कतर में ट्रेन कर रहा है और वो भी दा बटन दे, दादा दा ना खुला ये फॉर, हम गरीब लोग हैं, मेरे पास तो जीएससी हो तो ड्राइविंग में वो फर्स्ट टाइम। तो खलीफा, अगर पुलिस ने पकड़ा तुम्हारा पकड़ा नहीं, तू जिम्मेवार होगा, ठीक है, टेंशन नहीं है, पैसे बहुत है, टेंशन नहीं है, आ जाओ आ जाओ। In Qatar to wear belt, वरना बहुत heavy fine आप लोगों को pay करना होगा, ठीक है? And brick पर चप्पल है मेरा। So Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. मैं first time left side पे गाड़ी चला रहा हूँ, guys. और किधर ही? हाँ? Qatar में।
कतर में हाँ, अगर फाइन पड़ा तो मेरे कजन को, मेरे निफ्यू को पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा। अज़रबैजान बीच, काश मैं अज़रबैजान बीच की जगह अज़रबैजान चला जाता तो मज़ा आता है, लेकिन अज़रबैजान यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा गाइस, आप लोग को एक अहम बात बता दूं कि मैं मौलूद कतर हूँ। मौलूद का मतलब होता है कि जो लोग यहाँ पे पैदा हुए, ठीक है। तो मैं इधर पैदा हुआ, मैं जब से इधर आया हूँ मेरा स्किन और मेरा हेयर ये दोनों बहुत अच्छे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ की गर्मी जो होती है ना तबाही वाली होती है यार। पाकिस्तान में बंदा ड्राइविंग करेगा ना, इधर में इस बंदे ने ड्राइविंग का टेस्ट पास कर लिया, उसने ड्राइविंग कर ली, वो दुनिया के हर कोने में ड्राइविंग कर सकते हैं। एक तो पिंडी की रश अल्लाह अकबर, फिर पिशावर में रश अल्लाह अकबर, और सवाद के रोड जो यार ये जितना रोड है ना इसका सिंगल करके वो डबल रोड होता है, उसमें बीच में कुछ नहीं होता, आप लोग को ड्राइविंग करनी पड़ती है उसी के बीच में। और यूटर्न म्यूटर्न तो जिधर मर्जी करे उधर ही इधर एक यूटर्न की आप लोग आगे जाना होगा फिर यूटर्न लेना होगा, लेकिन यार यहाँ के रोड 10-15 किलोमीटर में यूटर्न करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वो सीन नहीं है। अच्छा गाइस, अभी हम तकरीबन पहुंच गए बीच वाली साइड पे, पहुंच के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मतलब मैं तकरीबन इधर आ सकता हूं, मैं मतलब लाइसेंस ले सकता हूं इधर इजीली, आसानी से। लेकिन मैंने एक गलती की है गाइस, मुझे वहां पे इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल है वो होते लाइसेंस होते जो आप तकरीबन पता नहीं कितने मुल्क है कि वहां पे आप गाड़ी चला सकते हो, वो मैं बनाना भूल गया था। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर विजिट बना तो मैं वो बनाऊंगा और इधर आऊंगा, फिर गाड़ी चला सकते हैं इजीली यहाँ पे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भाई मेरे ऐसा है जैसे कि पाकिस्तान में आप लोग 5 साल की डिग्री लेते हो MBBS की या लॉ की LLB की, उसी तरह आप इधर लाइसेंस लोगे। अभी मेरे पीछे भी प्रोटोकॉल है और आगे भी प्रोटोकॉल है, उसके बीच में मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं है ना, ट्रस्ट इशू है गाइस, ट्रस्ट इशू। इनको पता नहीं है कि मैं अल्ट्रा प्रो पुराना पापी ड्राइवर हूँ, अभी मैं इनके साथ ड्रिफ्टिंग करता हूँ, सफर करो। जो जो जानी अल्लाह मिसो कसम से, ऐसी गाड़ी थी ना जैसे वो भेड़ बकरी नहीं होती उसमें जो एक गधा होता है सही हाइटेड वही था यार, राम राम जो पहाड़ वाला, हाँ राम राम सत्य पहाड़ वाला जो बेल होती है ना उसी तरह, हाँ बिल्कुल उसकी तरह था यार। मुझे एक GMC और एक ये राम, ये दो गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई है, बाकी मुझे जितने भी गाड़ियाँ पसंद है कतर में जितने लोग है वो जानते होंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी किसी एक बंदे के पास है राम, वो इमरान खान का सपोर्टर है, पाकिस्तान में उसके साथ है एक गाड़ी। स्विमिंग के लिए आ जाओ, खुद यहाँ पे गायब है, नजर नहीं आ रहा, मैं अपना शर्ट रख के आता हूँ। सही है, फुल नहा धो के वापिस आ गए। अच्छा गाइस, समुंदर में नहाने की वजह से मेरे कान में और नाक में पानी चला गया जिसकी वजह से मेरा सर बिल्कुल सुनो हो गया। ये जो भाई जो बैठे हुए हैं ना ये सारे चिकन को मसाले वगैरह दे रहे और साथ में हमने आग लगाई, ब्याह होता हुआ था कोयला अलग ये कोयला है, आग लगाई हुई है हमने, मैं आप लोग को दिखा रहता हूँ हमारा जो 50% शेफ जो है ना जो सिर्फ मिसाले देता है, पका रहा नहीं है, वो ये बंदा है। हाय करो, हेलो। अच्छा गाइस, इसका चेहरा आप लोगों ने पहचान लिया, अगर टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे स्नैपचैट पे नजर आए तो सीधा रिपोर्ट मार लेना, ठीक है। इसको मैं मेंशन करूंगा सीधा रिपोर्ट के आइंदा से ये नजर ना आए, ठीक है गाइस। तो मैं बता रहा हूँ कुछ, ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक करो, फॉलो करो और इसको रिपोर्ट करो, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ गाइस, आप लोग ना पिए। साथ में ही हमने कवर लगाया हुआ है कि अगर कोई विंड की वजह से रेत वगैरह कोई हमारे काने को डैमेज ना कर सके, तो इसलिए हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है, गाड़ियों से हमने इसको कवर किया हुआ है, क्योंकि खाना पकाने के बाद हम आपको आगे का व्लॉग दिखाएंगे। फॉलो करो ना, ना बकलीफा वही मरा पहले उनको दबाओ, उनका बेल आइकन को मुक्का दो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो सजा ना। हां ये भी कर यार, समुंदर में नहाने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है,
तो ये जो जवानी उसने अभी कह दिया चक्का मारा है, लेकिन बोन रही पे अभी देखेगा कि कौन पकड़ रहा है। जो जो जानी जो है ना वो मेरे लिए कोई मेडिसिन वगैरह रेडी कर रहा है कि तुम्हारी सर दर्द जो है वो ठीक हो जाए। और मेरा उसका डील हो गया, ठीक है। डील कैसा हो गया है कि वो बोन है, रिपोर्ट वाला सिस्टम बंद खत्म, भाई को फॉलो करना है क्योंकि मेरा इलाज कर रहे डॉक्टर साहब। हर चीज का अपना अपना कैप्सूल होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल यार, कसम से मेरा बिल्कुल दिमाग इधर से बंद हो गया। जवाद का ही कैप्सूल है लालाजी, कंजल रहा तो कलता लाड़े खबर है जवाद रहा था कंजल वक्त में ना ना लालाजी दा तो गया है ना। ऐसा बात है, मैं आप लोगों का अभी एक खुशखबरी देना चाहता हूं, ठीक है, कि उसका नाम है ना टुंग टुंग, उसको कलर को देख। ये मेरे बचपन का नाम बता रहे, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। हम इस पे टोंग टोंग इस तरह का वॉइस आएगा, ये आपको सुना ही नहीं देगा। मैं मेडिसिन पीता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और हम मिस्टर ग्रीन के पास जा रहे हैं। मिस्टर ग्रीन भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मिस्टर ग्रीन को हमारे साथ में जो हमारे डिफ्यूज वगैरह हो ड्यूटी पे, तो हम उनको पिकअप करने के लिए और जो जो जानी जानी जाएंगे। ओके, सी यू गाइज आफ्टर माई मेडिसिन। ओके, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। वेलकम बैक गाइज, मेरी तबीयत फुल हो गई है। डॉक्टर जोजो जानी को शुक्रिया मुझे मेडिसिन देने के लिए। और दूसरी बात ये कि अभी हमारे कुछ कज़न वगैरह हैं, उनको हम पिकअप करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी छुट्टी हो गई है। आई थिंक 30-35 मिनट्स का रास्ता है, मोर 41 मिनट्स का रास्ता है, डिपेंड करता है स्पीड पे। जब 120 पे जाएगा 41 मिनट का रास्ता है, लेकिन इजी हो सकता है, मतलब स्पीड लगा सकते हैं। तो उधर पहुंच के फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम ट्रेन में बैठे हैं, पूरा हिल रहे हैं। अभी हम पाकिस्तान की रोडों पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो दिखाते हैं, वो लोग स्टेडियम में बैठे हुए, फुटबॉल स्टेडियम में, तो उनको पिकअप करके स्टेडियम भी आप लोग को दिखाएगा, स्टेडियम भी आप लोग को थोड़ा सा दिखा देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। हमने थोड़ा बहुत वो कर लिया, अभी उनको ला के उनके साथ दोबारा खा लेंगे, ठीक है, फिर वो मिलते हैं। अब मत, अच्छा गाइस, भाई तुम चुप रहो भाई। नहीं, हाय गाइस, अभी हम पूछने वाले हैं किधर कदर में अल फोर स्टेडियम, अल मैच स्टेडियम। तो हमारा कजन है, उसको पिकअप करने के लिए, ठीक है। कजन नहीं है, कजन है। हमें तो चुप था यार, सॉरी। अच्छा गाइस, अभी ये स्टेडियम मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरफ कैमरा घुमाऊंगा तो सफर कर मैं शीशा नीचे। मैं आपको स्टेडियम दिखा देता हूँ, ये आप चेक करो, ये सामने स्टेडियम है, उधर से हम उन लोगों को पिकअप करेंगे। शोर बहुत हो रहा है तो मैं थोड़ा ऊंचा बोलूंगा, ठीक है। उधर से उन लोगों को पिकअप करेंगे, फिर वापस जाएंगे हम उस जगह का क्या नाम था, अजरबैजान, क्या अजरबैजान बीच में। मेरा अभी भी दिमाग में वो समुंदर का पानी घूम रहा है। ठीक है गाइस, फिर जाते हैं वापस, अभी उनको पिकअप करते हैं, मिस्टर ग्रीन से मिलते हैं और बाकियों से भी मिलते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो आप लोगों को दिखाएगा। अच्छा गाइस, अभी ये सब आ गए, ये हमारे ये शिने मिस्टर ग्रीन, मिस्टर ग्रीन है ये हमारे साथ, ये हमारे साथ मिस्टर व्हाइट है, और वो हमारे साथ हमारा कजन है, ये फिलीपींस से आया हुआ है, खाना भी नहीं खाया, तो इनके लिए हम इंतजार कर रहे थे, अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो अभी पहुंच के हम खाना खाएंगे इंशाल्लाह, गपशप लगाएंगे, ठीक है। खाना साथ में क्यों लेके आएंगे यार, हमने क्या डिलीवरी बॉय समझा है। अच्छा, तो हम बिजी था, उसने बातें की है, उसके लिए माजरत पाए हम लोग। जब वो व्लॉग बन रहा है तो मैंने उसको बोल दिया कि स्टार्टिंग हम से लेना, सही हम बिजी था लोकेशन पे, हमारा आईडी भी पान हो गए, सही रहू है बताओ ये गाड़ी में। गाइस, मिस्टर ग्रीन को आप लोग फॉलो कर दो, इरफान खान नाम है भाई का, आपके लिए फनी वीडियो लेके आएगा, और सब मिलके हमारा आईडी हुआ होता है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और फॉलो करो, बस सिर्फ फॉलो करो, सब्सक्राइब खत्म हुआ है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को दबाओ। आज व्लॉग होगा, आज का व्लॉग बहुत एंटरटेनिंग है, इंटरटेनिंग है, इनके साथ मेरी जबान फिसल रही है अभी तक। अच्छा
पार्ट जो है ना वो बाकी है। हाँ समर करो अभी सही सीन बाकी है, समुद्र में एक दूसरे को होते मारेंगे, होते मारेंगे, डांस पास करेगा, डांस पार्टी भी होगा साथ में। तुम्हारे लिए सबर करो, गपशप लगाएगा, गपशप लगाएगा, गपशप लगाएगा। अच्छा गाइस पहुंच के मिलते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस अभी हम पहुंच गए तकरीबन नहीं बस पहुंच गए, बस ये कुकिंग पूरा खत्म हो गई। खाना खाएंगे, हमारा तिमई भाई है, वाटर बॉय, ये हमारा वाटर बॉय है। काउज एंड बफलोज हरीस भाई, ये भाई बार बार शिकायत कर रहे हैं, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके भाई के अकाउंट को रिपोर्ट करने और ब्लॉक करने, सही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना मेरे अकाउंट में, ठीक है। हमारा आईडी है उसमें, हमारा तस्वीर लगाए, वो ब्लॉक कर दो। सजाद खान नाम है, आप लोग रिपोर्ट कर। हमारा मिस्टर ग्रीन है, ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोबारा ये हमारा एक भाई, हमारा दोस्त, अपने एक दोस्त के लिए कुछ अल्फाज बोलना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे पास इधर नहीं है और भाई उसको बहुत मिस कर रहे हैं, तो उसका नाम लेके कुछ अल्फाज बोलना चाहते हैं। सर प्लीज उर्दू में बोला करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा एक दोस्त है, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ इस वीडियो में, मोहम्मद नाम है इसका। वो हमसे अभी रूम में रह गया है, तो सब लोग उसको बहुत मिस करता है। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो हमारा पिकनिक होगा तो वो क्या आप हमसे आगे होंगे। आप हमसे आगे होंगे और इंशाल्लाह सब लोग आपको बहुत मिस करता है। तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए था और आप हम लोग आपको बहुत मिस करता है। अच्छा गाइज, ये अब हम ही आए ना, बीच में आए हुए हम लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सर आप मौसम के बारे में क्या कहेंगे? मौसम तो बहुत खुशगवार है। खुश कैसे होता है? खुशगवार कैसे होता है? यानी अच्छा मौसम है कतर में, ऐसा मौसम अब हमने 2 साल में नहीं देखा। मजाक कर रहे हैं? नहीं मजाक नहीं करता हूँ, झूठ बोल रहे। बहुत ज़्यादा गर्मी था, अभी मौसम अलहमदुलिल्लाह। चार अभी खाना रेडी हो गया, सब खाने के लिए बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। पीट पीट गाइस, अच्छा सो गाइस, इधर जब हम नहा रहे थे ना तो सीन ऐसा था कि मैं यहाँ पे डूब रहा था कसम से। वो किनारा है, किनारे से इतने दूर आ चुके और पानी यहाँ से गायब। ये देखो ये जगह भी सूख गई है बीच में, हम आपको दिखा रहे थे, आ जाओ यार, ये जगह सूख गई है और लोग नहाने के लिए उस जगह पे जाते हैं। अभी हमने खाना सब कुछ खा लिया है, चाय भी पी ली है, हो सकता है कि इसके बाद हम वापसी करें। तो अभी हम विजिट कर रहे हैं कि उस साइड पे कितनी गहराई है, ठीक है, चले हम चेक करते हैं। अच्छा गाइज, आप चेक कर सकते हैं कि समुन्द्र का पानी तकरीबन यहाँ तक पहुँच गया है और वो जो लाइट नज़र आ रही है ना, ये पानी की उस साइड पर वो किनारा है, और ये वाला साइड जो है ना ये फुल जो है ना सूख गया है, समुंदर का पानी उस साइड पे चला गया। लेकिन ये सीन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन, मैं तो पहली दफ़ा समुंदर आया हूँ और पहली दफ़ा आज मैं समुंदर में नहाया था, लेकिन नमकीन पानी सारा मेरे सर में घुस के बिल्कुल मेरे सर को इस तरह, वो पानी पानी में लोग गुब्बारे में पानी नहीं डालते जो इस तरह हिलता है, उसी तरह मेरा दिमाग में पानी पानी हो गया। हाँ, मैं पानी पानी हो गया। अब देखो यहाँ से समुंदर स्टार्ट हो गया, पानी बहुत गर्म है। MK और साथ में इधर लिखते हैं ये वनाई बिहार आला ना दा स्पेलिंग में गलती हो गई, सॉरी गाइस। इतना भी काफ़ी है गाइज, मेरे स्पेलिंग में थोड़ी सी ऊंच इंच हो गई, सॉरी फॉर दैट। ये हाथ धो लेते यार, मैंने मूवीज में देखा था कि समुंदर का पानी बहुत नमकीन होता है और आज मैंने टेस्ट कर लिया जब मेरे कज़न मुझे होते दे रहे थे। वापस ही करते हैं गाइज, और इसी के साथ समुंदर के किनारे पे हमारा व्लॉग होता है एंड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।